अस्फाल्ट और मास्टिक से भरे जाएंगे मुंबई की सड़कों के गड्ढे। 110 करोड़ रुपए खर्च करेगी वीएमसी, जाने जोन में कितना बजट। मानसून से पहले मुंबई में सड़कों के गड्ढे भरने पर वीएमसी 110 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके लिए वीएमसी ने मुंबई सिटी सहित पश्चिम और पूर्व उपनगर के लिए टेंडर जारी किया है। खास बात यह है कि वीएमसी गड्ढे भरने के लिए फिर से पुरानी पद्धति पर लौट आई है। वीएमसी सड़कों के गड्ढे और पैचेज सल्फाल्ट और मास्टिक पद्धति से भरेगी, जबकि बारिश के दौरान M60 डिग्री तकनीकी हॉट मिक्स और कोल्ड मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और वीएमसी दावा करती है कि इससे दोबारा गड्ढे नहीं पड़ेंगे। बारिश के दौरान सड़कों पर बनने वाले गड्ढों और पैचेस की वजह से वीएमसी को नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। वीएमसी ने सड़कों के गड्ढे भरने पर मास्टिक और अस्फाल्ट दोनों का उपयोग करने का फैसला किया है। मुंबई में कुल 2500 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इन सड़कों को वीएमसी ने दो भागों में बांटा है। इनमें 2 मीटर से कम और 9 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें शामिल हैं। दोनों का अलग अलग टेंडर जारी किया गया है। 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क में छोटी और मुख्य सड़कों से छोड़कर गलियों की सड़क शामिल होती है। इस पर गड्ढे पड़ने से स्थानीय लोगों को अधिक परेशानियां होती हैं, जबकि मुख्य सड़क पर गड्ढे पड़ने से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है काम। लेकिन इसके बावजूद मानसून के दौरान वीएमसी को गड्ढे की वजह से आलोचना झेलनी पड़ती है। गड्ढों को भरने के लिए ठेकेदार नियुक्त होने के बाद भी खुद सड़क पर बनने वाले गड्ढों को भरने का काम करती है। गड्ढे भरने में फेल क्यों हो रही है वीएमसी? हर बारिश में वीएमसी को सड़कों के गड्ढों की वजह से लोगों को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ता है। पिछले 25 सालों में वीएमसी सड़कों के गड्ढे भरने पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए कई तकनीकी का इस्तेमाल कर चुकी है। इस साल वीएमसी एक बार फिर अस्फाल्ट और मास्टिक तकनीकी पर लौट आई है। पहले भी यह तकनीकी इस्तेमाल हुई है, लेकिन पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुई है। बारिश के दौरान वीएमसी अब तक पेवर ब्लॉक, हॉट मिक्स, कोल्ड मिक्स और M60 डिग्री तकनीकी का इस्तेमाल कर चुकी है।